आईपीएल 2023 की जब शुरुआत हुई तो राजस्थान रॉयल्स ने शुरुआत के 5 मैच में 4 मैच जीते, एक मैच हारे, लेकिन आखिर के 5 मैच जो हुए हैं उनमें से वो 4 हारती है और एक जीती है, और यही वजह है कि पॉइंट टेबल में 4 पर है और हो सकता है आज देर शाम या कल होते होते वो टॉप 4 से बाहर हो जाए, और अगर उसे क्वालिफाई करना है तो फिर अब सारे मैच जीतने पड़ेंगे। कहां आसानी से वो क्वालिफाई कर रहे थे, लेकिन राजस्थान की हार क्यों हुई? 5 बड़े कारण जो राजस्थान रॉयल्स की हार की वजह बने। तो सबसे पहला जो रीजन है वो सबसे रोमांचक रीजन है, जिसमें किस्मत है, नो बॉल है और बहुत कुछ है, मायूसी है। संदीप शर्मा की वो आखिरी बॉल जिस पर 5 रन चाहिए थे, वो आते हैं, गेंद डालते हैं, आसानी से मैच वो जीत सकते थे। फील्डर कैच पकड़ता है, लोग जश्न मनाते हैं, लेकिन जश्न के बाद वो गेंद नो हो जाती है और यहीं से सारा खेल हो जाता है। खेल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अब्दुल समद और मार्को यानसन, इन दोनों ने स्ट्राइक भी रोटेट नहीं की थी क्योंकि वो मायूस हो गए थे कि यहां से वहां क्या जाना, तो विकेट गिर चुका है, हम तो हार चुके हैं। संदीप शर्मा जश्न मनाने लगे थे, राजस्थान रॉयल्स के फैन खुश हो गए थे कि यार अब तो हम नंबर 3 पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन ये सारे ख्वाब जो हैं वो गाना नहीं है, छन से जो टूटे कोई सपना, एग्जैक्टली वैसे टूटा। कहां पर नंबर 3 के ख्वाब थे, अब 4 पर हैं, आज 4 से बाहर हो जाएंगे। अगर अब्दुल समद नो बॉल होने के बावजूद वहां से स्ट्राइक रोटेट कर लेते तो शायद मैच पलट जाता, लेकिन समद बेहतरीन शॉट और लौटे और सीधा छक्का मारा और उसके बाद राजस्थान संदीप शर्मा का सपना जो है वो टूट गया। इरफान पठान ने बड़ी तारीफ की है वैसे कि जिंदगी, जब आप एक गलती, जब आपकी उम्र 21 साल हो और आप एक गलती कर चुके हो और जब जिंदगी फिर मौका दे तो उस मौके को दोनों हाथ से भुनाइए, और यही काम अब्दुल समद ने करके दिखाया है। वैसे ये वही संदीप शर्मा है जिन्होंने जडेजा और धोनी के सामने गेंदबाजी की थी और नहीं गए थे, लेकिन कल बात कुछ और थी। दूसरा रीजन मुझे लगता है कि ट्रेंट बोल्ट का ना खेलना और मैकॉय का होकर भी कुछ ना कर पाना या ना करवाया जाना। ट्रेंट बोल्ट जो राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी यूनिट के सबसे बड़ी ताकत थे, उन्हें रेस्ट दिया गया इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर, बाद में मैकॉय आए, लेकिन मैकॉय के साथ किस्मत का साथ नहीं, क्योंकि राहुल त्रिपाठी को जब उन्होंने गेंद अच्छी की, संजू सैमसन ने एक इजी कैच ड्रॉप किया, उसके बाद राहुल त्रिपाठी ने छक्का मारा और उनके एक ओवर में 13 रन चले गए, जिसके बाद संजू सैमसन ने उनसे गेंदबाजी नहीं करवाई। टेक्निकली अगर आप इंटरनेशनल गेंदबाज हैं मैकॉय और सामने आपके फिलिप जैसा बल्लेबाज है, 2 ओवर में 41 रन चाहिए थे, तो मैकॉय से गेंदबाजी करवानी चाहिए थी, वो गेंदबाजी करते तो शायद इतनी गंदी कहानी ना होती है। पता नहीं, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, हालांकि फिलिप्स को हम सब ने देखा इंटरनेशनल क्रिकेट पर कैसे लंबे लंबे छक्के मारते हैं, लेकिन फिर भी आप एक इंटरनेशनल क्रिकेटर पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं अगर ऑन फील्ड वो मौजूद है। लेकिन मैकॉय की गेंदबाजी ना करना, अगर वो कैच ना छूटता, 13 रन ना जाते तो शायद सेकेंड ओवर मिलता, सेकेंड ओवर नहीं मिला तो 3 फुल टॉस मिली, 3 फुल टॉस पे छक्के पड़े, 1 चौका पड़ा, मैच 2 ओवर में जो 41 हुए था 1 ओवर में 17 बचा, और उसके बाद संदीप शर्मा की पहली बॉल पर मैकॉय ने जो इजी सा कैच ड्रॉप कर दिया वो भी एक बहुत बड़ी वजह बना इस हार की। मुझे लगता है कि वो कैच पकड़ ले तो बात ही खत्म थी। तीसरा रीजन जो है वो है 21.5 करोड़ के खिलाड़ियों को बाहर बिठाने का बोल्ड फैसला। हाँ, आमतौर पर ऐसा होता नहीं कि आपने अगर किसी खिलाड़ी में 13.25 करोड़ रुपए लगाए या 8.25 करोड़ रुपए लगाए हैं तो आप उनको डगआउट में बिठाकर आराम करवाओ, लेकिन हैदराबाद ने एक बोल्ड डिसीजन लिया जिसमें मयंक अग्रवाल जो कि 8.25 करोड़ में गए थे और हैरी ब्रूक जो इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंसेशन बनकर आए थे, एक मैच शतक मारा था, नाम हुआ था, लेकिन उसके बाद और पहले फ्लॉप थे, और उनको हटाने का एक बड़ा और बोल्ड फैसला लिया। इस फैसले का असर ये हुआ कि अनमोल प्रीत सिंह और ग्लेन फिलिप्स दोनों मैदान पर आए। अनमोल प्रीत ने शुरुआत दी 25 बॉल पे 33 रन 4 चौके 1 छक्का, और मयंक अग्रवाल हाले कई मैचों में स्टार्ट दे रहे थे लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं हो रहे थे, और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। मतलब इस मैच से पहले 9 मैच हो गए थे लेकिन हैदराबाद के किसी भी खिलाड़ी ने 200 रन नहीं बनाए हैं पूरे सीजन में, और पावर प्ले में बहुत विकेट गिर रहे थे, तो पावर प्ले के टाइम में जो विकेट बचा के रखा इन लोगों ने, 6 ओवर में 50 रन स्कोर हो गया, वो एक इम्पैक्ट रहा। और बाद में हैरी ब्रूक की जगह जो ग्लेन फिलिप आए थे उनको तो क्या ही कहना, मतलब वो जो 6 गेंदों में उन्होंने 25 मार दिए, 3 छक्का 1 चौका, आई थिंक वो मैच का टर्निंग पॉइंट था। 2 ओवर में 41 बहुत ज्यादा होते हैं, आखिरी ओवर में 17 रन बचे, तो वो जो गेम शिफ्ट हो गया था
उसमें फिलिप का हाथ था और वही वो इंपैक्टफुल पारी थी जो हैरी ब्रूक से उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उसे फिलिप ने अंजाम करके दिखाया और वो आउटस्टैंड। चौथा रीजन जो मुझे लगता है वो है राजस्थान रॉयल्स का एंड के ओवरों में रन ना बना पाना। अब वैसे तो 214 रन काफी होते हैं, लेकिन जिस तरह से शुरुआत हुई थी, जिस तरह से कैरी ऑन किया था, 18वें और 19वें ओवर में रन नहीं बनते, 12, 15, 16 रन बनते हैं, और मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था क्योंकि मोमेंटम वहां से शिफ्ट हुआ था। उसके पहले ऐसा लग रहा था कि 225 के बाद ये टीम जाएगी 230 आसानी से दिख रहे थे, क्योंकि बटलर और सैमसन दोनों बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छी बल्लेबाजी पूरे मैच में लोगों ने की थी। लेकिन वो 18वां ओवर नटराजन का जो बहुत अच्छा था, नटराजन ने ओवरऑल भी अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर में सिर्फ 36 रन दिए, जो कल के मैच को देखते हुए काफी अच्छी लग रही थी। अभिषेक शर्मा के 2 ओवर, वो 14 रन देना, 15 रन, वो बहुत इंपैक्टफुल था। लेकिन वो भुवनेश्वर कुमार का 19वां ओवर जिसमें रन नहीं जाता है और उसके बाद उनका विकेट गिर जाता है, फिर शिवरॉन हेटमायर आते हैं, वो केवल 5 गेंदों पर 7 रन बनाते हैं। अगर यही 5 पर 15-16 रन होते, 18 रन होते, तो शायद ये स्कोर 230 होता और वहां से एक बड़ा प्रेशर जो है वो आ जाता राजस्थान इन पर आ जाता, तो वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। और इसके बाद जो आखिरी रीजन है वो है इंटेंट। राजस्थान रॉयल के 214 रनों के बावजूद भी हैदराबाद का इंटेंट बड़ा क्लियर था कि हम जीतने की तरफ जाएंगे, और यही वजह थी कि सारे खिलाड़ियों ने माकरम के अलावा अपने स्ट्राइक रेट को मेंटेन करा। अभिषेक शर्मा शुरुआत में आए, 34 गेंद 55 मारे, 160 का स्ट्राइक रेट उनका था, बहुत बेहतरीन था, और उन्हीं की वजह से पावर प्ले को यूटिलाइज कर लिया उन्होंने। राहुल त्रिपाठी 29 बॉल में 47 रन बनाकर आउट हुए, जिस बॉल पर आउट हुए वो भी बहुत बेहतरीन थी, वरना 29 बॉल पर उनके 53 रन हो जाते, 160 का उसके बावजूद स्ट्राइक रेट उन्होंने मेंटेन कर रखा था। क्लासन आए, 12 बॉल पे 26 रन, छोटी पारी थी लेकिन 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट था तो इंपैक्टफुल पारी थी। नीचे ग्लेन फ्लिप 7 बॉल पे 25 रन मार देते हैं और समझ जो है 7 पे 17 मार देते हैं, तो जो वो इंटेंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि आप मैच हार गए थे, आपके पास जीतने के लिए बहुत कुछ था और ये इंटेंट ही वजह है कि आखिरी बॉल तक कोशिश हुई, किस्मत साथ दी, किस्मत बहादुरों का साथ देती है, मैच इनके पक्ष में गया। तो मेरे हिसाब से ये 5 वजह थी। आपको क्या लगता है इनमें 5 में सबसे इंपॉर्टेंट वजह कौन सी थी? मुझे लगता है कि वो जो कैच छोड़ा गया था 19वीं ओवर की पहली बॉल पे, वो एक बहुत बड़ा रीजन था। आप इतने इजी कैच नहीं ड्रॉप कर सकते हो, बाकी तो किस्मत है। नो बॉल कई बार आप दिमाग से निकल गया, हालांकि नो बॉल को भी आप माफ नहीं कर सकते हो, लेकिन वो कैच एक बहुत बड़ा फैक्टर मेरे हिसाब से जो मैच हारने की वजह बना, और शुरुआत में जो 18-19 ओवर में रन नहीं बने। आपका क्या है?